आदित्य ठाकरे, अरबाज खान, सूरज पांचोली, शोभित चक्रवर्ती और इम्तियाज खत्री, इन पांचों के नाम सुशांत सिंह राजपूत के केस में आए थे सोशल मीडिया पे। लेकिन अब मैं एक बात कराने वाला हूँ, इन पांचों के साथ सीबीआई ने क्या किया और अब ये पांच क्या कर रहे हैं, क्या केस में इनका नाम कहाँ कहाँ आया, क्योंकि सलमान खान का भी नाम इसमें आया था कि उन्होंने बहुत ज्यादा सुशांत सिंह राजपूत को बाहर निकाला। सूरज पांचोली था, झगड़ा हुआ था इसमें, सलमान खान ने सुशांत को परेशान किया, सुशांत को बॉलीवुड से बॉयकॉट किया, उससे फिल्में छीन ली, ये भी चीजें आई थी और इसके बारे में कोर्ट केस भी चल रहा था। इन छह लोगों के बारे में सुशांत केस में क्या हुआ, सीबीआई ने क्या क्या खुलासे किए, सीबीआई ने क्या क्या इन्वेस्टिगेट किया, इस वीडियो में आपको बताने वाला। बस एक रिक्वेस्ट करता हूँ, शेयर जरूर करिएगा इस वीडियो को और प्लीज लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आपको करके एक एक करके नाम बताता हूँ। सबसे पहले शोभित चक्रवर्ती, जिसके बारे में आपको पता है सीबीआई ने उसको बुलाया, सारा इन्वेस्टिगेट किया। रिया चक्रवर्ती का वो भाई था, सुशांत सिंह राजपूत के घर पे आना जाना था, कई सारे व्हाट्सएप चैट शोभित चक्रवर्ती की सुशांत के साथ थी, कई सारे व्हाट्सएप चैट रिया के साथ थी, लेकिन एक भी व्हाट्सएप चैट में शोभित और सुशांत के बीच में ड्रग्स की बात नहीं हुई थी। रिया और शोभित के बीच में ड्रग्स की बात हुई थी और शोभित के और ड्रग्स पेडलर के बीच में ड्रग्स की बात हुई थी। और इतना होने के बाद शोभित चक्रवर्ती को एनसीबी ने क्लीन चिट दे दी। क्लीन चिट मतलब वो देश के बाहर जा सकता है, यही रिया चक्रवर्ती के बारे में बोला था, देश के बाहर जा सकता है। और बाद में सीबीआई ने रिया चक्रवर्ती और शोभित को नहीं बुलाया। अरबाज खान को सीबीआई ने क्या किया, मैं बताता हूँ। शोभित अरबाज खान के ऊपर कई सारे एलिगेशन लगाए, एक अपना बेवड़ा दिल्ली का लॉयर भी था जो पहले सुशांत के बारे में बात करता था, आपको समझ में आ गया कौन है, उसने अरबाज खान का नाम सोशल मीडिया पे लिया, अरबाज खान ने उसके ऊपर केस किया, जिसके बारे में 7-8 दिन वो जेल में भी बिता चुका है। लेकिन इसके बाद अरबाज खान का नाम सोशल मीडिया पे था, लेकिन अरबाज खान एक क्रिकेट मैच के केस में भी अंदर जा चुका था, लेकिन बाद में उसको जल्दी बेल मिल गया। ऑफकोर्स वो बेटिंग का मामला था, लेकिन सुशांत सिंह राजपूत के केस में अरबाज खान के लिए सोशल मीडिया पे ही नाम रह गया, ना उनको सीबीआई ने बुलाया, ना उनको एनसीबी ने बुलाया, ना कुछ इसके बारे में ये हुई, सिर्फ सोशल मीडिया पे नाम आया था वो। सूरज पांचोली के बाद में एक बात हुई थी कि सूरज पांचोली ने खुद आज तक में जाके ये बोला था कि मैं तो सुशांत को सिर्फ जानता था, दिशा सालियान को जानता नहीं था और उस दिन मैं सुशांत के साथ नहीं था, ना मैं आदित्य ठाकरे को जानता हूँ, वैसे जानता हूँ, मिला हूँ, लेकिन सुशांत के केस में आदित्य ठाकरे का और मेरा कोई लेना देना नहीं। आदित्य ठाकरे को भी सूरज पांचोली क्लीन चिट दे रहे थे, लेकिन इस बारे में सीबीआई ने सूरज पांचोली को भी नहीं बुलाया। अब बात करता हूँ इम्तियाज खत्री, इम्तियाज खत्री का नाम एनसीबी में एनसीबी की तरफ से आया था, सीबीआई ने नहीं बुलाया, एनसीबी की तरफ से आया था, जिसके बाद इम्तियाज खत्री आज देश में नहीं है। आदित्य ठाकरे की अगर बात करो, आदित्य ठाकरे के ऊपर सीधे सीधे नाम आए थे और उसके बाद आदित्य ठाकरे ने भी बोला था मुझे इस केस में फंसाया जा रहा है, ये सिर्फ सड़क छाप राजनीति है, लेकिन कई सारे फोन लोकेशन में ये साबित हुआ कि वहाँ पे ये सारे लोग थे। पठान साहब जो लॉयर है और नीलेश ओझा जी ने कई सारे केसेस ओपन किए कि वहाँ पे सूरज पांचोली और आदित्य ठाकरे दोनों, दिशा सालियान और सुशांत सिंह राजपूत के 100 मीटर्स के दायरे में थे, ऐसा मोबाइल का लोकेशन टावर आया है जो कोर्ट केस में जारी था, जिसके लिए बाद में अपील भी दर्ज की थी आदित्य ठाकरे ने। अगर ऐसा किया नहीं है तो अपील दर्ज करने की क्या जरूरत थी, ऐसे भी कई सारे लोगों ने बात की है। हमने भी अपने चैनल पे ये बात की थी कि आदित्य ठाकरे को जरूरत क्या थी वहां पे जाने की, कोर्ट में अगर उनका नाम है ही नहीं, कुछ है ही नहीं, तो जाने की जरूरत क्या थी, लेकिन कहीं ना कहीं इस दाल में काला जरूर लग रहा है। वैसे ही अरबाज खान का भी फोन लोकेशन मैच हुआ था, लेकिन फिर भी अभी तक सीबीआई ने किसी को नहीं बुलाया। क्या सीबीआई ये चाहती है कि बड़े बड़े लोग हैं इसलिए बहुत स्ट्रांग सबूत जोन कर रही है, या सीबीआई ने मतलब तोड़ पानी करके बात खत्म कर दी है, या सीबीआई के पास इतने स्ट्रांग सबूत आ चुके हैं कि वो जस्ट पॉलिटिशियन का वेट कर रहे हैं कि कब हम ये करें, कब राज खोले, और ये पॉलिटिशियन कौन है। ऑफ कोर्स सीबीआई किसके अंडर में आती है, सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर आती है, क्या सेंट्रल गवर्नमेंट वेट कर रही है, क्योंकि अब तो पॉलिटिक्स हो चुकी है, अब तो इलेक्शन हो चुके हैं, तो क्या विधानसभा के इलेक्शन के बारे में वेट कर रही है जो अगस्त में है। आपको क्या लगता है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक यू सो मच वॉचिंग मी, धन्यवाद।